नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, या यूं कहें कि हर बार की तरह इस बार भी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की पीठ पर छुड़ा फूंका है। नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर सर्च पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला किया। अब सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और इस मुठभेड़ में कई जवान शहीद हो गए, कई लापता हैं। तो सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को भी मौत के घाट उतारने का सफलता हासिल की है। अब नक्सलियों की कायराना हरकतों पर कब और कैसे आखिर लगाम लगेगी, कैसे हुई तरेराम के जंगलों में मुठभेड़ और कितने जवान हैं लापता और नक्सलियों का काम तमाम करने की कब बनेगी फाइनल रणनीति, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर कैसे हुई ये मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में काफी जवानों के शहीद होने की खबर है। इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी मौत के घाट उतारे गए हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि बीजापुर में आखिर हुआ क्या और उसकी वजह क्या थी। बीजापुर के जोनकिला में जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़। बीजापुर सुकमा के बॉर्डर इलाके में हुई घटना। जोनगुड़ा टेकमगुड़ा में नक्सलियों के होने की खबर मिली थी। डीआरजी कोबरा की संयुक्त टीम नक्सलियों की सर्च में गई। नक्सलियों ने जवानों को यूसेफ के एम्बुश में फंसाया। 600 से ज्यादा नक्सलियों ने जवानों की घेराबंदी की। नक्सलियों ने दो पहाड़ियों की चोटी को बनाया था एम्बुश। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर। घटना पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। बीजापुर में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के साथ हैं। वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। छत्तीसगढ़ में 10 दिन के अंदर नक्सलियों के साथ हुई ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले 23 मार्च को हुए हमले में भी 5 जवान शहीद हुए थे। ये हमला नक्सलियों ने नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट के जरिए किया था। थाने से सीआरपीएफ, डीआरजी, जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन के जवान संयुक्त रूप से सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान दोपहर में सिलगेर जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने हमला बोल दिया। इस पर जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। बीजापुर में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर नक्सलियों का दोहरा चरित्र वजूद में आया। ये मुठभेड़ ऐसे वक्त हुई है जब नक्सली एक तरफ शांति वार्ता का राग अलाप रहे हैं। दरअसल शांति वार्ता प्रस्ताव भेजने के बाद से हमले तेज हुए। नक्सलियों ने 17 मार्च को शांति वार्ता का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था। नक्सलियों ने कहा था कि वो जनता की भलाई के लिए बातचीत को तैयार हैं। बातचीत के लिए नक्सलियों ने 3 शर्तें भी रखी थी। पहली मांग थी सशस्त्र बलों को हटाने की, दूसरी मांग थी माओवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की, और तीसरी मांग थी जेल में बंद नक्सली नेताओं की बिना शर्त रिहाई की। मतलब साफ है कि नक्सली अमन की बोली समझने वाले नहीं, और अब वक्त आ गया है कि नक्सलियों के खिलाफ फाइनल जंग का ऐलान कर उनका जड़ से काम तमाम किया जाए। टीम न्यूज स्टेट। वहीं इसी बीच देखिए बीजापुर से खबर मिल रही है, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ में 22 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। 16 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है। 3 अप्रैल को आपको बता दें कि जोनाकुड़ा में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 30 से ज्यादा जवान जो है वो घायल हुए। नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई। तो नक्सली मुठभेड़ को लेकर एक ताजा अपडेट, 16 जवानों की शहादत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफी संख्या में हमारे जो जवान हैं उनको नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कई नक्सलियों के मारे जाने की भी इसमें खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ यहाँ पे नक्सलियों को जवाब दिया है, और लेकिन काफी दुखद ये पूरी घटना। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सब दुख व्यक्त कर रहे हैं, और इस बीच खबर बीजापुर की नक्सली मुठभेड़ पर सीएम का बयान सामने आया। शहीद जवानों को मेरा नमन, सीएम ने कहा हमारे जवानों ने जबरदस्त मुकाबला किया। नक्सली
अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम ने यह कहा है, मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ। अमित शाह से मेरी बात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने जिक्र किया कि उनसे फोन पे बात हुई है, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, यानी कि यह साफ है कि एक ठोस कदम अब उठाया जाएगा। घायलों का इलाज अभी जारी है, मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है कब आके लाल आतंक का खात्मा होगा। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान भी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, कोई आंकड़ा निकल के आया है कि कितने लोग घायल हैं, मिसिंग हैं और शहीद हुए हैं, कुछ आंकड़ा आपके पास आया? जो 7 घायल हुए थे उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, वो सब आउट ऑफ डेंजर है। तो निश्चित तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने भी यहाँ पे दुख जाहिर किया है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम निवास यादव जी जो कि पूर्व डीजीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल पर। बहुत स्वागत है राम जी आपका। नरेश गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अभय नारायण राय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राम निवास यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। पूर्व डीजीपी भी रहे हैं सर, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अभी नक्सल अटैक हो रहे हैं उसमें डीजीपी रैंक के अधिकारियों को ही कहीं ना कहीं नक्सलवादी वहीं पर ये हमला कर रहे हैं, किस तरीके से आप इस मुठभेड़ को देखते हैं? क्योंकि काफी दुखद ये खबर मिल रही है कि हमारे कई जवानों को नुकसान पहुंचा है, संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। करिश्मा जी, सबसे पहले तो मैं इस दुखद घटना पे अपने जवानों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवारों के प्रति भी मेरी श्रद्धांजलि है और संवेदना सहानुभूति है। ये देश में बड़े दुख की बात है कि हमारे ही जो नागरिक हैं वो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और सरकार ने उनको संदेश भेजा है। राम निवास जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभी खबर मिल रही है कि बीजापुर से हमारे एक संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, सीधे मैं उनकी तरफ रुख करूंगी। बस्तर में जब भी नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ होती है, उसका जवानों की शहादत के बाद न सिर्फ जवानों के शवों को लेना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, बल्कि जंगल से उन्हें निकालना भी एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक देख सकते हैं कि ये जो शव जो पड़े हैं उन्हें एक साथी जवान द्वारा रस्सी, उनके हाथ को एक रस्सी बांध दी जाती है और उसके खींचा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नक्सली अक्सर इन ऐसे जवानों की जब शहादत होती है तो उन डेड बॉडीज़ के नीचे आईडी प्लांट कर देते हैं, ताकि जब उनके साथी जवान उन शवों को बरामद करने आए तो जब विस्फोट की जद में आके वे भी उन्हें भी हताहत करने का वे कोशिश करते हैं। इसे एहतियात बरतते हुए आखिरकार जवानों द्वारा ऐसे ही तरीके अपनाए जाते हैं डेड बॉडी रिकवर करने के दौरान। पी रंजन दास, न्यूज़ स्टेट। ले तो ये हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट थी। और बड़ी टुकड़ी को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने किस स्तर की तैयारी की थी, इसके इस वाक्य को हम दिखाएंगे अभी आपको कि ठीक आप मेरे नीचे देख सकते हैं, यहाँ नक्सलियों ने जवानों पर हमला करने का एक बड़ा बम दागा हुआ था। ये जिंदा है या निष्क्रिय हो चुका है इसकी जानकारी तो नहीं है, मगर ये एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में से माना जा सकता है कि नक्सलियों की इस मुठभेड़ को अंजाम देने के लिए जिस तरह की व्यापक तैयारी की गई थी, ये इस एक उदाहरण हो सकता है। दूसरी ओर खेतों का ये इलाका है, जो खेतों की मेड़ है, ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए जवानों को ट्रैप करने के लिए बहुत बड़ी आधार यहाँ बनी थी और यही वजह है कि कल जो ये मुठभेड़ हुई इसमें जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और नक्सलियों ने एक बार फिर बस्तर की धरती को लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पी रंजन दास, न्यूज़ स्टेट। चलिए तो रंजन दास हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे और उनका ये बताना कि नक्सलियों की तरफ से यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी और पूरी प्लानिंग थी। राम निवास यादव जी, मैं आपके ही पास आऊंगी, आप कुछ कह रहे थे सर और इसके साथ ही अभी आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट देखी, क्या समझते हैं नक्सलियों की सोची समझी साजिश है? करिश्मा जी, सबसे पहले तो मैं अपने शहीद साथियों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवारों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति और संवेदना है। और नक्सलियों की ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी पुलिस को पूरी मालूम भी है और समय समय पे ये भी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, पुलिस भी अपनी स्ट्रेटजी बदलती है जी।
क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे इनके ऊपर एक तरीके से हमला करने की स्ट्रेटजी बनाई और वहाँ पे ये लोग गए तो उन्होंने भी काउंटर स्ट्रेटजी के तहत ये अपना कार्रवाई की है। तो पहले तो एक तो छत्तीसगढ़ पुलिस का जो मनोबल है वो मैं, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई घटना होगी उसके तुरंत बाद भी वो एक करें कि अटैकिंग मूड में है और उसमें उन्होंने अपनी इतने जवानों को खोया भी है, तो वो एक जिसको कहें कि अटैकिंग स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि और दुखद बात तो रहती है कि जब हम किसी को अपने जवानों को खोते हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि वो हमारे ही नागरिक हैं, तो पुलिस को काफ़ी एक दायरे के अंदर कानून की चुनौती दायरा भी रहता है, फिर अपने जनता का भी दायरा रहता है, वो उस तरीके के कार्रवाई करते हैं। और जो यहाँ की जो DRG है या बस्तर के जो हमारे जवान हैं वो काफ़ी उसके अंदर कार्रवाई करते हैं। तो नक्सली एक तरीके से हम, मैं भी कहूँगा कि कुछ जो आखिरी क्षेत्र बचा है जिसमें कि कुछ हिस्सा बीजापुर का है, सुकमा का है, नारायणपुर का है, कुछ कांकेर का हिस्सा भी है, तो ये और इन दिनों में ही खासकर अप्रैल में, मई में और 15-20 जून तक जब तक कि पूरी बरसात नहीं हो जाए, इस समय तेंदुपत्ता की भी कार्रवाई चलती है, तो उसमें से भी वो एक तरीके से अपना दबाव बढ़ा के एक अपना धन एकत्रित करने की उनकी स्ट्रेटजी रहती है। दूसरा सड़कों का निर्माण भी इस समय जारी रहता है, उन पर भी एक दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनसे भी कुछ वो ठेकेदारों से अपना कुछ वो कर सकें। तो ये दोनों तरफ से एक तरीके की कार्रवाई पुलिस ने बहुत जबरदस्त सराहनीय कार्रवाई की है। मैं उसको उनको बस्तर पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को एक तरीके से ये कहता हूँ कि स्ट्रेटजी ठीक है और आगे ठीक चल रहे हैं और ये लड़ाई छत्तीसगढ़ पुलिस और देश की पुलिस जीतेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुरक्षा बलों की तरफ से भी जिस तरीके से यहाँ पे जवाबी कार्रवाई की गई है वो सराहनीय है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमने अपने जवानों को खोया है और इस शहादत का आखिर बदला तो लेना ही पड़ेगा। अभय नारायण राय जी, क्या सोचते हैं आप, क्योंकि ये काफी दुखद घड़ी है छत्तीसगढ़ के लिए भी और साथ ही पूरे देश के लिए भी, और यही वजह है कि खुद PM ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से जो कार्रवाई की गई, आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रही, इनपुट में कुछ कमी रही या स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, जैसा कि BJP कह रही है कि सरकार को नीतियों में बदलाव लाना चाहिए? करिश्मा जी, अभी आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बिल्कुल अभी हमारे लिए दुख की घड़ी है और पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, क्योंकि कल जवानों की संख्या, फिर आज के जवानों की संख्या में बढ़ोतरी, जवान लापता है, जब तक पूरे जवान बरामद नहीं हो जाते हैं जिंदा या शव के साथ, तब तक तो अपन नहीं कह सकते कितने इतने हताहत हुए, लेकिन संख्या बढ़ रही है, घायल भी हैं। और निश्चित रूप से अभी यादव साहब जितनी अच्छे तरीके से उसको बता रहे थे कि हमको चाहिए कि अभी इस घड़ी में हम सैनिकों के साथ खड़े हों, हम फोर्स के साथ खड़े हों, और जिस बहादुरी से हमारे फोर्स ने जाकर बीजापुर और सुकमा के उन घने जंगलों में, जहां हिड़मा की अपनी मिलिट्री फोर्स होती है जिसको हम PLGA कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी उनकी होती है, जो सबसे लड़ाकू संस्था है उनकी, उस पर हमने हमला किया है और उनको कमजोर करने का काम किया है, और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं। अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो नक्सलियों को भी मार गिराए हैं, बहुत बहादुरी से हमारे जवानों ने लड़ा है, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने शोक जताया, मुख्यमंत्री जी लगातार कल से अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, गृह मंत्री जी अस्पताल पहुंच चुके थे, पूरी की पूरी हमारे DGP से लेकर सारे अधिकारी कल से लगातार उस पर मंथन कर रहे हैं। मैं वहां के जो IG है सुंदर राज जी, उनकी सराहना करूंगा कि वो लगातार मनोबल बढ़ाने के लिए वहां डटे हुए हैं, और रिकवर करने के लिए जो फोर्स भेजी गई है उनको दोहरी चुनौती है, एक तो हमारे सैनिकों को पता करना है, दूसरा और कोई हमला उन पर ना हो जाए उसका बचाव करना है, तो उस तरीके से संभल के जाना कि और कोई हमला हमको शिकार ना होना पड़े। तो अभी सरकार की नीति का सवाल नहीं है, आज की घटना की समीक्षा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के तमाम राजनीतिक दल इस घटना से दुखी हैं, और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो कलंक नक्सली है, अब समय आ गया है कि नक्सलवाद के खात्मा की बात हम सब करें, इसके लिए मिलजुल कर हमको प्रयास करना चाहिए। कोई भी सरकार की नीति ये नहीं होती कि उसके सैनिक मारे जाए, सरकार तो चाहती है कि उसके एक भी सैनिक मारे बिना हम नक्सलियों को मार गिराएं। लोकतंत्र में हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत का रास्ता खोजे, लोकतंत्र में हम अपील करते हैं। अभी यादव साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही
कि ये दुश्मन बाहर से नहीं आए हैं, ये हमारे देश के ही नागरिक हैं और हमारे देश के नागरिक हिंसक हो गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, संविधान में विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो गोली की बात करेंगे तो बहुत जरूरी है कि संविधान के तहत उनसे गोली की बात की जाए, लेकिन गोली का जवाब गोली को देने का समय है। ठीक है अभय जी, मैं एक सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभी क्योंकि नरेश जी भी इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। नरेश जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहते हैं और बीजेपी की क्या सोच है? देखिए, ये अत्यंत ही पीड़ादायक घटना है, बहुत दुखद घटना है। ये इस पूरी घटना में शहीद हुए तमाम जवानों को हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इन्हों जवानों ने भारत की संविधान की रक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हम उन्हें नमन करते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। जो जवान अभी घायल हैं उनको अतिशीघ्र रिकूप होने की कामना करते हैं। शहीद हुए जवानों के परिवार के प्रति भगवान से हम आराधना करते हैं, आराधना करते हैं कि उनकी इस गुट की सड़ी में उनको इस असीम दुख को सहम करने की क्षमता प्रदान करें। देखिए, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार इस पर कैजुअल है, आज डायलॉग की बात करने लग गई। जो व्यक्ति, जो संस्था यदि भारत की संविधान को नहीं मानती है, उसको इस देश में रहने का एक मिनट का अधिकार नहीं है। आज आप डायलॉग की बात करने लग गए, आज हमारे शहीद हुए जवानों के ऊपर क्या गुजर रही होगी? आप डिमोरलाइज होने की बात करने की बात करते हैं। आज तो बात ये हो गई कि आर और पार की बात है। नरेशी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये वो घड़ी नहीं है जहाँ हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं, क्योंकि 15 साल तक तो आपकी भी सरकार रही है। ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो नक्सलवादी हैं, ये कोई और नहीं, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के ग्रामीण भी हैं जो कि विकास नहीं हुआ तभी इस राह पर आगे बढ़े। मैं लौटूंगी आपके पास, आप जो सवाल कांग्रेस से उठा रहे हैं मैं आपसे भी उठाऊंगी। मेरे सहयोगी आदित्य नामदेव कुछ जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या जानकारी है अभी तक आपके पास? संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बीजेपी कांग्रेस के भी कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति करने का समय नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सवाल उसी से पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पर 22 जवानों की शहादत की पुष्टि यहां पर हो चुकी है। डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने 22 जवानों की शहादत की पुष्टि यहां पर कर दी है। दो जवान अभी भी लापता है। मैं फिर कह रहा हूं, शहादत का आंकड़ा एक या दो और अभी बढ़ सकता है, क्योंकि दो जवान अभी तक अपने बेस कैंप नहीं पहुंचे और जहां पर घटना स्थल है वहां पर भी वो दो जवान कहीं नहीं पाए गए। तो वो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जल्द से जल्द अपने बेस कैंप आ जाए, नहीं तो ये जो शहादत का आंकड़ा है 24 के आसपास जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, 15 साल निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है कि रमन सिंह के समय एग्रेशन के साथ आप नक्सलियों से लड़े, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि 15 साल उस इलाके में विकास नहीं पहुंच पाया। विकास अगर पहुंचता तो आप उस इलाके में नक्सलिज्म खत्म कर देते। अबुझमाड़ का इलाका, ये जो जहां पर जूनागुड़ा है जहां पर ये नक्सली वारदात हुई है, यहां पर आज तक फिजिकल आज तक जो है सर्वे नहीं हो पाया, जियोलॉजिकल सर्वे नहीं हो पाया। यहां पर आज तक किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है, यहां पर आज तक आधार कार्ड नहीं बन पाए, सरकारी योजनाओं का लाभ आप नहीं दे पाए, पूरा अबुझमाड़ का सर्वे अभी तक बचा हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 15 साल आपको मिले, आपने किया? केवल एनएच में विकास करना विकास नहीं होता, विकास एनएच के अंदर भी होना चाहिए और एनएच के बाहर भी होना चाहिए। केवल मुख्य रोड आपने बना दी, 4 बिल्डिंगें तान दी, इसको विकास नहीं कहते? क्या अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा? विकास पहुंचता तो नक्सलियों की ये रफ्तार नहीं होती। नक्सलियों ने बता दिया कांग्रेस सरकार को भी कि नक्सली ना तो कांग्रेस के होते ना बीजेपी के, नक्सली सिर्फ नक्सली होते हैं, वो विकास पर विश्वास नहीं रखते, वो केवल और केवल जवानों की हत्या करना चाहते हैं और संविधान को काला संविधान मानते हैं। तो आपको एग्रेशन के साथ नक्सलियों के खिलाफ भिड़ना पड़ेगा। 22 जवानों की शहादत ये पूछ रही है, आगे कब तक ये शहादत देंगे? क्या इस शहादत को इंसाफ मिल पाएगा? ये कांग्रेस सरकार को जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और नरेश जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास भी आऊंगी। आप इस समय सरकार पर तो कई सवाल उठा रहे थे, ये बताएं कि 15 साल के शासनकाल में आपने क्या विकास किया उस इलाके में, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी सवाल पूछा है, क्या जवाब देंगे आप? राजनीति अभी भी मत करिएगा, एक बार मैं फिर से आपको बोल रही हूं। देखिए, मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूँ। इस सरकार की मटरगश्ती का नमूना, कल यहाँ पर सैनिक शहीद हो रहे थे और मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद जिनके क्षेत्र में घटना घड़ी में मटरगश्ती क्या है, खाना खाते हुए
फोटो वो जवान लेने गए थे। नरेश जी मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ठीक है अभय जी रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास। अभय जी रुकिए, अभय जी मैं आती हूँ आपके पास। नरेश इसको शर्म नहीं है लेके इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक पैनल में बैठ के आप क्या संदेश यहाँ पे जनता को दे रहे हैं, क्या संदेश आप जनता को दे रहे हैं? अभय जी कहीं कम से कम आप तो यहाँ पे शांत हो जाएं। चलिए ठीक है रामनिवास जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी भी सियासत ये लोग कर रहे हैं। ये नहीं समझ आ रहा है कि इतनी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, पक्ष विपक्ष दोनों की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। कब तक आखिर ये शहादत होती रहेगी, एक बड़ा सवाल। पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष की मैं बता रहा हूँ। इतनी बड़ी घटना में मैं रामनिवास जी से सवाल कर रही हूँ, नरेश जी मैं रामनिवास जी से सवाल कर रही हूँ। रामनिवास जी खाना खा रहा हूँ करके जी, रामनिवास जी देखिए जिस हाँ, तरीके से ये जानकारी मिल रही है। जी जी ये एक और सवाल है सर मेरा इसी से जुड़ा हुआ, जैसा कि ये जानकारी मिल रही है कि ये जो नक्सलवादी है ये कहीं ना कहीं नागरिक ही हैं और उस क्षेत्र के ही कहीं ना कहीं लोग होंगे जो कि विकास नहीं मिला तो इस राह पे आगे जुड़ रहे हैं। आपके भी कार्यकाल में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे, मैं चाहूंगी कि आप उसको शेयर करें। करिश्मा जी ये विकास और विश्वास और सुरक्षा का घेरा तीनों एक तरीके से साथ साथ चलते हैं जी। तो कोई भी सरकार हो, मैं किसी पे भी टीका टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, जो भी सरकार आज भी है या पुरानी सरकार थी उनकी मूलभूत, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि विकास ना हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि सुरक्षा भी ना रहे, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उनके काम में कोई नक्सली घटनाएं बढ़ें या जवानों की शहादत हो। ये मूलभूत सिद्धांत है किसी भी सरकार के लिए, तो चाहे बीजेपी की सरकार रही है चाहे कांग्रेस की है, तीन सिद्धांत हमेशा लागू रहते हैं कि वो ताकि उनका उनका नाम ऊंचा रहे। विकास जो है ये आज भी की सरकार भी कोशिश कर रही है, पुरानी सरकारों ने भी कोशिश किया जब से स्वतंत्रता से पहले भी और बाद में भी, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब वो रोड बनने नहीं दे रहे थे तो पहले रोड बनाना जरूरी था, फिर वो स्कूलों की बिल्डिंग ढा रहे थे तो स्कूलों को बचाना जरूरी था, तो ये एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है जो सभी सरकारों ने की है। और इस समय पूरी मुझे भले ही छोटी मोटी बात भले ही हो लेकिन इस मामले में नक्सल के मामले में पूरा छत्तीसगढ़ की जनता, पूरा छत्तीसगढ़ का राजनीतिक दल, मैं मेरा पूर्ण विश्वास है कि सब एक साथ हैं जी। कोई छोटी मोटी बातें विचार थोड़े बहुत मैं विचार अलग हो सकते हैं लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नागरिक, कोई भी छत्तीसगढ़ का जो है वो सब एक हैं और पूरा देश इनके साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ है। भारत सरकार ने भी हमेशा छत्तीसगढ़ का साथ दिया है। ये सरकार के पहले हमें अपने जवानों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, उनके मनोबल को यहाँ पे गिराना नहीं पड़ेगा। नरेश गुप्ता जी और इसके साथ ही अभय जी, दो मिनट का वक्त है मेरे पास, एक संक्षिप्त में आप दोनों से मैं रिएक्शन लूंगी। अभय जी सबसे पहले क्योंकि सरकार आपकी है, सवाल आपसे ही होंगे, बड़ा सवाल ये कि आखिर आप कुछ रणनीतियों में कुछ बदलाव करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं 22 जवान शहीद हुए, इससे पहले भी 10 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला माना जा रहा है, ऐसे में आगे की सरकार की प्लानिंग क्या रहेगी? निश्चित रूप से इस हमले के बाद अभी तक की समीक्षा होगी, नया बदलाव आएगा और नक्सलियों को ये चेताया जा रहा है बार बार कि आप जवानों को हम शहीद नहीं होने देंगे और पूरे एक एक जवान के खून का बदला लेंगे और नक्सलवाद का खात्मा इस छत्तीसगढ़ से होगा, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। हिंसा के लिए, संविधान के खिलाफ चलने वालों के लिए और हमारे जवानों पर गोली बरसाने वालों के लिए अब छत्तीसगढ़ में जगह नहीं होगी और आपका एक्शन दिखेगा। मैं यही निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी कि ऐसे शब्दों का चयन इस दुख की घड़ी में न करें, क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम और आप डिबेट में बैठकर जवान के शहीद परिवार भी देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, ये 22 जवान के शहादत की दुख की घड़ी है। हम कोई ठोस रणनीति की बात करें, कोई ठोस रणनीति का सुझाव दें, और मैं तो पूछ रहा हूं कि 15 साल में जो रणनीति आपकी फेल हुई उसकी समीक्षा आप करें, जो हमारी फेल हो रही उसकी समीक्षा हम करें और आगे सभी लोग मिलकर नक्सलवाद का मुकाबला करें और हमारे जवान शहीद हो। बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति की जरूरत है और उसमें विपक्ष का सहयोग भी उतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी घड़ी है जिसमें सबको मिलकर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही रामनिवास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सहयोगी आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने देखा किस तरीके से लाल आतंक का अगर खात्मा करना है
तो इस वक्त एक ठोस रणनीति की जरूरत है और इन नक्सलवादियों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल खास पेशकश में इतना है।